झारखंड है ना लेकर के आए ये मोती झरना जो वाटरफॉल है वो दिखाने के लिए। क्योंकि ये अपरूपी है, ऊपर से पानी गिर रहा है, थोड़ा यूनिक है, अच्छा लग रहा है जगह। नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं महाराजपुर के आसपास और यहाँ का दिलकश नज़ारा, प्राकृतिक सौंदर्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये है मोती झरना जो कि अद्भुत दृश्य है, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चियाँ भी आई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, जो बिहार में पढ़ता है, बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत मलखा से बच्ची सब आई है। उनके साथ प्रशिक्षक महोदया भी आई हैं, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने वाली जो बबीता दी है, जो भागलपुर के एक लाइनेस मानी जाती है, वो भागलपुर की शेरनी मानी जाती है मार्शल आर्ट के मामले में। तो आज हम उनसे भी बात करेंगे और जितने भी बच्चे आई है इस प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा का आनंद लेने के लिए उनसे भी बात करेंगे। बाकी आप हमारे खबरों में बने रहिए, यहाँ के आसपास में रहने वाले लोगों से भी रूबरू करवाएंगे कि मोती झरना में क्या खास है और लोग यहाँ कहाँ कहाँ से आते हैं देखने के लिए। तब तक हमारे खबरों में बने रहिए और आइए हमारे साथ। तो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं मोती झरना, ये प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ के एक बबीता दी हैं और अगर बोला जाए तो हमारे गुरुजी भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस प्रकृति का अद्भुत नज़ारा के बारे में पूछेंगे कि सभी बच्चियों को लेके आई हैं दीदी और किस तरीके से, किस फंड के माध्यम से और किस जगह से आई हैं, इनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दीदी बताइए, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीदी। ये बताइए कि ये जो लाए हम बच्चे सबको, कहाँ से लाए हैं और कितना खर्च पड़ा और यहाँ पर आने में क्या तकलीफें हुई आपको? ये बच्ची हमारी जो है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की है जी, और 9 से लेकर 12 तक की बच्ची है जी, जी, जी। हम इस सारी बच्ची को है ना बिहार से झारखंड है ना लेकर के आए ये मोती झरना जो वाटरफॉल है वो दिखाने के लिए, क्योंकि ये अपरूपी है, ऊपर से पानी गिर रहा है, थोड़ा यूनिक है, अच्छा लग रहा है जगह। यहाँ के सरकार को क्या कहना चाहेंगे, हेमंत सोरेन जी को? यहाँ लोग आने में कतराते होंगे पहले, यहाँ पर बहुत सारी सुविधा मतलब आने जाने का वाहन का जो सुविधा है वो उपलब्ध करा दिए हैं और यहाँ पर जो सीढ़ी है और भी नज़ारा है, उसके लिए क्या धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड के हेमंत सोरेन जी को? नहीं, अच्छा है, पहले थोड़ा बहुत टूटा फूटा था, अभी चारों तरफ बन गया है तो अच्छा लग रहा है। ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार को इनसे सीखनी चाहिए, पर्यटन स्थल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसा कि आपका ये बांका मंदार हिल में वो जो दृश्य है इससे भी ज़्यादा सुंदर कहीं ना कहीं मान सकते हैं उसको, और वहाँ पर वो समुद्र का मंथन हुआ था उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वहाँ के जितने भी जगह ना जगह जगह पर गंदगी फैला हुआ है उस पर ध्यान नहीं दे रही है वहाँ की सरकार। यहाँ की सरकार से उनको सीखना चाहिए क्या, उसके बारे में नीतीश सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों सेम है, वहाँ भी है, हमारा राजगीर है ना, गौतम बुद्ध का। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब वार्डन दीदी से बात करेंगे कि बच्चों को किस तरीके से यहाँ लाए, यहाँ आने में क्या तकलीफें हुई और बच्चियाँ कितना खुश है यहाँ आके? परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए, बिहार के जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जहाँ से भी दर्शक देख रहे हैं उनको बताइएगा। मैं भागलपुर ममलखा सबौर प्रखंड से आए हैं, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र में है, उससे हम निकलते हुए बिहार से हम इसको ऊपर उठा कर झारखंड आए हैं, लेकिन रास्ते में हमको बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि रोड यहाँ की एकदम अच्छी नहीं। हम यही कहेंगे कि यहाँ की रोड की व्यवस्था को अगर अच्छा कर दिया जाए तो ये पर्यटन स्थल और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और यहाँ का वातावरण और पर्यटन स्थल की वजह से ये बहुत जगह फेमस हो जाएगी, जितनी फेमस है उससे ज़्यादा ही हो जाएगी। जी मैडम, मैं भी आपके साथ सफ़र किया और आपके साथ ही आया, काफ़ी तकलीफें हुई रास्ते में, और भागलपुर के अलावा कहीं भी दूसरे रूट में चले तो वहाँ का जो सड़क राजमार्ग नेशनल हाईवे जो है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त है, यहाँ का क्यों नहीं है? आप संदेश दीजिए नितिन गडकरी जी को। नहीं, ये हम कहना जरूर चाहेंगे कि यहाँ की रोड अगर सही हो जाएगी तो इतना वक्त हम लोगों को 7-8 घंटा लग गया यहाँ आने में, वो हम 2-4 घंटे में पहुँच जाएंगे। यहाँ से वापस होने में हम लोगों को जो तकलीफ होगी, अगर ये रोड का सुधार हो जाएगा तो अच्छा है कि हम लोग जल्दी ही पहुँच जाएंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजना, मैं सबौर ममलखा ताजपुर की परवारी वाले। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।